नमस्कार, मैं हूं स्मैल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरें। लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नजर खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर से भीषण सड़क दुर्घटना में स्कॉर्पियो सवार घायल। मामला उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के अंतर्गत सैदपुर कोतवाली के सामने वाली भीमापार सड़क पर दो स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर, जिसमें स्कॉर्पियो सवार सभी लोग घायल हो गए। टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के ग्रामीणों में हलचल मच गई। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने वाराणसी बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। गाड़ी के ड्राइवर पन्नालाल से पूछने पर बताया गया कि वो मुगल सराय से गाड़ी के मालिक के परिवारजनों को लेकर उनके गांव जा रहे थे, जिसमें 45 वर्षीय योगेंद्र यादव, 40 वर्षीय मीरा देवी, 21 वर्षीय दीप कला, 20 वर्षीय रजनी यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। हमारे संवाददाता गाजीपुर से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। मेरा नाम पन्ना लाल है, मैं परमानपुर के रहने वाला हूँ, जिला आजमगढ़ में पड़ता हूँ। मैं मुगल सराय से रिसीव करके अपने गाड़ी मालिक के पूरे फैमिली के साथ लेकर आ रहा था। जो गाड़ी है यूपी 54 है, 16-04, इसकी इतनी ज़्यादा स्पीड थी, आप लोग देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी की कंडीशन क्या है, इनकी गाड़ी कंडीशन कहाँ है, आप लोग देख सकते हैं। और आज आप लोग चालक की असावधानी से ट्रक में घुसी कार, चालक की मौत। बसरावा रायबरेली बसरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रयागराज लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात पहुरावा गांव के निकट सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में पीछे से एक कार घुस गई, जिसमें कार चालक की मौत हो गई। विद्युत विभाग प्रयागराज में XEM के पद पर तैनात लखनऊ के जानकीपुरम निवासी 40 वर्षीय मुकेश पुत्र बिंदेश्वरी प्रसाद अपनी कार से देर रात प्रयागराज से लखनऊ जा रहे थे। बसरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुरावा गांव के निकट सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में पीछे से भिड़ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची बसरावा पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर उन्हें गाड़ी से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसरावा पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के अनुसार कोतवाल पंकज तिवारी ने बताया कि मामले में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हमारे संवाददाता मोनू सिंह की रिपोर्ट।